हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज की डिज़ाइन हमारी दो कलर की डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पूरी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी होंगी और 8 के मल्टीपल में हम फंदे रखेंगे, प्लस 2 फंदे उसमें ऐड कर देंगे हम। 8 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं इस डिज़ाइन के लिए और उसमें हमें 2 फंदे एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। इस डिज़ाइन को ख़ास तौर पे हम जेंट्स के स्वेटर में डाल सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये डिज़ाइन किस स्वेटर में अच्छी लगती है। बहुत सी आजकल ऐसी डिज़ाइनें आ गई हैं जो कि हम बच्चों में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ में भी, जेंट्स में भी, सब एक ही डिज़ाइन हम सब में डाल सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें किस में कौन सी डिज़ाइन अच्छी लग रही है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 सिलाइयाँ, जो हमें 8 सिलाइयों का जो मल्टीपल है वो हमें इसे रिपीट करते हुए जाना है और हमारी डिज़ाइन बनती हुई जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर रखी हुई है। इसके बाद आप 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनने के बाद आप इस डिज़ाइन को डालेंगी, जो 8 सिलाइयाँ मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ये डिज़ाइन बहुत उभर कर आएगी, खिल कर आएगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले, आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें 4 फंदे सीधे बुनने हैं, जो हमारा डार्क कलर है उससे 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदा हम लाइट कलर से बुनेंगे। उसके बाद हम 6 फंदे बुनेंगे सीधे। पहली सिलाई हमारी सीधी तरफ से 6 फंदे सीधे, 3, 4 और ये 5, 6। उसके बाद हम फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। वाइट कलर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर हम 6 फंदे बुनेंगे सीधे, छह फंदे सीधे हो गए। फिर हमें 2 फंदे सीधे वाइट कलर से बुनने हैं। फिर उसके बाद हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया है आपको कि 8 के मल्टीपल में हमें फंदे डालने हैं और 2 प्लस करने हैं, उस तरीके से हमें आखिरी में 4 फंदे सीधे बुनने हैं। यहाँ पर ये 3 फंदे मेरे एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसे मैं सीधा ही बुन लूँगी। अब ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई आ गई। दूसरी सिलाई में हमें ये जो हमारे 3 एक्स्ट्रा फंदे हैं और ये हमारी डिज़ाइन के 4 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उल्टी तरफ से भी हमें दूसरी सिलाई हमारी, इसे सीधा बुनना है। जिस तरीके से हम सीधी सिलाई पर सीधा बुनते हैं, उस तरीके से उल्टी सिलाई पर हमें ये ग्रीन कलर के फंदे सीधे बुनने हैं। सीधे बुनने के बाद देखिए हमें क्या करना है, ये सीधे बुन गए। उसके बाद हमें ऊन को आगे करना है और इस ऊन को हमें इस तरीके से इधर करना है और ये वाइट वाला ऊन हमें इसे ऐसे क्रॉस करना है, वरना हमारी सिलाई गलत हो जाएगी। फिर हमें इस ऊन को वाइट को पीछे करना है, सॉरी, इस ऊन को इधर ही रहने देना है और ये दो फंदों को उल्टा बुनना है, ये ऐसे। फिर उसके बाद हमें ग्रीन वाले ऊन को पीछे करना है और ये 6 फंदे सीधे बुनने हैं। ये सीधे बुनने 6 फंदे। इसी तरीके से हमें ये पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करनी है। अब ये एक बार फिर से आप देखिए, इस ऊन से हमें जो दो फंदे हमारे सीधे उधर सीधी सिलाई से बुने गए थे पहली सिलाई में, उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। फिर से हम ग्रीन कलर की ऊन को पीछे करेंगे और ये हमारी ये
सारे फंदे ग्रीन कलर से सीधे बुने जाएंगे। उसके बाद फिर से हम ऊन आगे करेंगे। ऊन आगे करने के बाद फिर से हम इसे दो फंदों को, वाइट फंदों को हमें उल्टा बुनना है। फिर से हम ऊन पीछे करेंगे और इन चार फंदों को हमें सीधा बुनना है, उल्टी तरफ से हमें ये सीधा बुनना है। ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम हमारी तीसरी सिलाई पर आ गए हैं। तीसरी सिलाई में हमें देखिए क्या करना है। शुरू के दो फंदे हमें सीधे बुनने हैं डार्क कलर से जो हमने बुने हैं। जो हमने शुरू में चार फंदे सीधे बुने थे, अब हमें इसे दो फंदे सीधे बुनने हैं। उसके बाद हमें ऊन को इस तरीके से, देखिए ऊन को इस तरीके से पीछे कर कर और ये ऊन आगे लाकर इससे हमें अब छह फंदे वाइट कलर से बुनने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर से हमें ग्रीन कलर से, ये देखिए छह फंदे सीधे वाइट कलर से बुने, दो फंदे उल्टे सीधे जो ग्रीन कलर से हैं। उसके बाद हमें फिर से दो फंदे उल्टे बुनने हैं, सॉरी सीधे बुनने हैं। उसके बाद फिर से हमें सीधे फंदे छह बुनने हैं, छह फंदे सीधे बुनेंगे वाइट कलर के ऊन से। चार और ये पांच। अब हमें फिर से दो फंदे सीधे डार्क कलर से बुनने हैं, एक और ये दो। फिर से हमें छह फंदे वाइट कलर से बुनने हैं। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है, ये ध्यान रखिएगा। पाँच और ये छः, और जो फंदे ये हमारे तीन एक्स्ट्रा आ गए फंदे, और ये दो फंदे हमारे आखिरी में उल्टे सीधे बुने जाएंगे डार्क कलर से, और इन तीन फंदों को भी हम इसी के साथ बुन लेंगे। अब हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई आ गई। चौथी सिलाई पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डार्क कलर के फंदे हैं उसे हमें उल्टी तरफ से भी सीधा बुनना है, और जो वाइट कलर के फंदे हैं उन्हें हम उल्टी तरफ से उल्टा ही बुनेंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें अपनी चौथी सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। इस तरीके से हम डार्क ऊन को हमें सीधा बुनना है उल्टी तरफ से भी। तो फिर हम ऊन आगे करेंगे और इस ऊन को इधर करेंगे और वाइट वाले ऊन को इस तरीके से इस पे क्रॉस करने के बाद तब हमें ये छह फंदे उल्टे बुनने हैं, वरना हमारा सिलाई गलत हो जाएगी। हमारी दो और ये तीन, चार और ये पाँच, ये छह। इसी तरीके से हमें अपनी चौथी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरीके से ऊन पीछे किया, फिर से ऊन आगे किया और हमें फिर से ये छह फंदे उल्टे बुनने हैं। ये हमारी चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए ऐसे दिखती है ये डिज़ाइन। उसके बाद हमें अपनी पांचवी सिलाई को नॉर्मल, हमें जो फंदे डार्क फंदे को हमें डार्क ऊन के फंदे को
हमें सीधा बुनना है। सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे बुनेंगे। और उल्टी सिलाई में हमें ये ध्यान रखना है कि जो डार्क कलर का ऊन है उससे हमें सीधी उल्टी तरफ से भी सीधा बुनना है, और वाइट कलर को हमें उल्टी तरफ से उल्टा ही बुनना है। हमेशा हम जो है पीछे से जब भी ऊन दूसरा कलर लगाते हैं तो इसे क्रॉस कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमें तीसरी सिलाई, ये पांचवी सिलाई में हमें नॉर्मल जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बुनने हैं। बस सीधे और उल्टे का हमें ध्यान रखना है कि कभी कभी गलत हो जाता है। इस तरीके से करते हुए हमें अपनी पांचवी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये हमने अपनी पांचवी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हमारी डिज़ाइन की छठी सिलाई आ गई। छठी सिलाई में हमें सीधे डार्क ऊन के फंदे को हमें उल्टी तरफ से सीधा बुनना है, और वाइट ऊन को हमें उल्टी तरफ से उल्टा ही बुनना है। ये ध्यान रखते हुए हमें छठी सिलाई अपनी पूरी कंप्लीट करनी है इस तरीके से। ये ऊन हम आगे करेंगे और फिर हम इसे क्रॉस करेंगे और फिर हमें इसे उल्टा बुनना है। इस तरीके से हम अपनी छठी सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारी छठी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे डिज़ाइन की सातवीं सिलाई आ गई। सातवीं सिलाई सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी डिज़ाइन में। आइए देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। इन दो फंदों को तो हम सीधा बुनेंगे। दो फंदे सीधे बुने, उसके बाद हमें ऊन को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद ही हम जब भी जो भी सिलाई हम शुरू करेंगे तो ऊन को क्रॉस करने के बाद ही बुनाई शुरू करेंगे। अब हमें इन तीन फंदों को हमें उतार लेना है। इन तीन फंदों को उतार कर और ये जो शुरू के तीन फंदे हैं उन्हें हमें सिलाई पर चढ़ाना है इस तरीके से, और फिर हमें पीछे के तीन फंदे इस सिलाई पर लेकर इसको भी हमें सिलाई पर चढ़ा देना है। ये ध्यान से देखिएगा आप, इस तरीके से चढ़ाकर देखिए, ऐसे इसको चढ़ाने के बाद हमें इसे नॉर्मल बुन देना है सीधा। ये सीधा बुनेंगे हम इसे, ये पहला फंदा, ये दूसरा फंदा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। ये हमारे फंदे ट्विस्ट हो गए, क्रॉस हो गए यहाँ से। उसके बाद हमें अपनी जैसे नॉर्मल हमने दो फंदे बुने उस तरीके से बुन देंगे इसको। फिर से हमारे छह फंदे आ गए, उसी तरीके से हमें रिपीट करना है। इन छह फंदों को पहले इस सिलाई पर लीजिए, फिर उसके बाद इन छह फंदों को आप लेकर ऐसे थोड़ा सा इसको खींच दीजिए कि ये थोड़ा फंदे बड़े हो जाएं। उसके बाद इन तीनों को उतार कर धीरे से, और इन तीनों को आप सिलाई पर ले लीजिए, और फिर उसके बाद इन तीनों फंदों को अब इस सिलाई पर लेकर इस सिलाई में आप इसको फिर से चढ़ा दीजिए। एक दो, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई फंदे छूटे ना। ये चढ़ा दिया हमने, और अब हमें ये छह फंदों को नॉर्मल सीधा बुन लेना है जैसे हम बाकी बुन रहे हैं। एक दो
ये चार, और ये पांच, और ये छह। फिर से हमारा दो फंदा सीधा नॉर्मल डार्क कलर से बुना जाएगा। ये दो फंदे नॉर्मल हो गए। उसके बाद हम फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक बार फिर से आप देख लीजिए, इन तीन फंदों को पहले हम इस सिलाई पर एक साथ ले लेंगे, उसके बाद इन तीन फंदों को हम लेकर थोड़ा सा खींच देंगे कि ये ढीले हो जाएं, और धीरे से इन्हें हम उतार कर इन तीन फंदों को इस पर चढ़ा देंगे। चढ़ा कर फिर इन तीन फंदों को हम इस सिलाई पर लेंगे और इस पर हम फिर से इसको चढ़ा देंगे। थोड़ी सी मुश्किल होती है यहाँ पर, ये हमारे फंदे चढ़ गए। अब हमें इन्हें सीधा बुन लेना है। ये पहला फंदा, ये दूसरा फंदा, और ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, ये पांचवा, और ये छठा। इस तरीके से हमें इस डिज़ाइन को बनाना है। देखिए, अब इसके बाद हमें फिर से ये सारे फंदे नॉर्मल सीधे बुन लेने हैं डार्क कलर से, जो सारे फंदे हैं। ये हमारी सातवीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी आठवीं सिलाई आ गई। आठवीं सिलाई में भी हमें फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करना है कि डार्क कलर के फंदे को हमें सीधा बुनना है। सीधा बुनेंगे, और उसके बाद ऊन आगे करेंगे। और यहाँ पर ऊन को हमें ट्विस्ट करना है। क्रॉस करने के बाद वाइट कलर के फंदों को हमें उल्टा बुनना है। छह फंदे उल्टे बुनेंगे हम इस तरीके से। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें अपनी पूरी आठ सिलाई कंप्लीट करनी है। आठवीं सिलाई फिर से हम ऊन पीछे करेंगे और दो फंदे उल्टी तरफ से सीधे बुनेंगे। ऊन आगे किया, फिर से हमें छह फंदे उल्टे बुनने हैं इस तरीके से। ये हमारी आठवीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई और ये हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार है। देखिए ये कैसी लग रही है। यहाँ पर ये शुरू में दो फंदे और ये यहाँ पर दो फंदे, ये दो फंदे शुरू में आएंगे हमारे आखिरी में। यहाँ पर मैंने ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हो गए थे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे दो फंदे एक्स्ट्रा रहेंगे और इधर दो फंदे। अगर ये डिज़ाइन आपको भी पसंद आती है तो आप भी बनाइए और शेयर ज़रूर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये डिज़ाइन हमारी बनकर तैयार है।